दोस्तों ऑनलाइन पे आप वीडियो देखते होंगे, चाहे बात करें यूट्यूब की या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से आप वीडियो देखते होंगे, लेकिन आप दिन में एक बार तो जरूर आप टीवी भी देखते होंगे। ऐसे में आप कभी नोटिस किया है कि आप जब भी आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर या फिर बड़े शो देख रहे हैं या फिर बड़े किसी लाइव मैच देख रहे हैं, ऐसे में आपको एक आपके टीवी स्क्रीन पर एक रैंडम नंबर देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह की, जैसे कि इस तरह ऐसे आपको रैंडम नंबर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन आप कभी सोचा है कि ये रैंडम नंबर किस लिए है और किस लिए आपके स्क्रीन पर आता है? तो दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों कि आपको ये रैंडम नंबर से आपके घर तक पहुंचा जा सकता है। तो वो कैसे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, मैं बताने वाला हूं। दोस्तों जब भी आपका टीवी में कुछ रैंडम नंबर आपको देखने को मिलता है तो सबसे पहले हम लोग क्या सोच लेते हैं कि ये किसी ब्रॉडकास्टर के या किसी चैनल की ये टोल फ्री नंबर है जो आपको दिखा रहा है, और नहीं तो आप सोच सकते हैं किसी वेबसाइट की या किसी का एडवर्टाइज है जो आपको दिखा रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि ये ट्रिप जो रैंडम नंबर आपको टीवी में देखने को मिलता है सिर्फ वो ब्रॉडकास्टर के तरफ से ही आपको देखने को मिलता है। और तो और आपके मन में सवाल भी ये आता होगा कि ये जो रैंडम नंबर है वो किस लिए आ रहा है और किधर से आ रहा है। तो दोस्तों आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो रैंडम नंबर है आपके टीवी पर दिखा रहा है वो सिर्फ ना ही किसी चैनल की ओर से, चाहे आप जी टीवी देख रहे हो या फिर स्टार स्पोर्ट्स क्रिकेट देख रहे हो, वो चैनल की ओर से आपको ये रैंडम नंबर आपको शो नहीं किया जाता है। ये रैंडम नंबर आपको जो ब्रॉडकास्टर है, जो भी सेटअप बॉक्स आप लगाए हो, वो लोगों की तरफ से आपको दिखाया जाता है वही रैंडम नंबर। तो दोस्तों आप समझ गए, वो रैंडम नंबर आपको ब्रॉडकास्टर के तरफ से आपको दिखाया जाता है। तो दोस्तों और एक सवाल आपको मन में आता होगा, जो रैंडम नंबर है जो आपके टीवी में दिखा रहा है, बार बार दिखाता रहता है किसी भी शो पर हो या फिर किसी भी लाइव मैच पर हो, वो आपको डिस्टर्ब करता रहता है, वो किस लिए? तो सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि ये रैंडम नंबर से आपको लोकेट किया जा सकता है, आप किधर से रहते हो, कौन सी जगह पर, कौन सी प्लेस से आप देख रहे हो टीवी, और ये सब चीज़ आपको लोकेट कर सकता है वही रैंडम नंबर। और बता दूं दोस्तों जो रैंडम नंबर जनरेट होता है सिर्फ एक ही सेटअप बॉक्स को एक ही रैंडम नंबर आपको जनरेट होता है। यदि आप चाहे वही रैंडम नंबर को दूसरे में देखने को तो आप देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे एक ही नंबर आपका अपना फ्रेंड को फ़ोन करके पूछिए कि जो रैंडम नंबर आपको दिखा रहा है वो क्या मेरे और आपका जो रैंडम नंबर है वो बराबर है क्या, वो सेम है क्या? तो दोस्तों उसका जवाब ये होगा कि दोस्तों ये रैंडम नंबर एक ही सेटअप बॉक्स के लिए आपको जनरेट किया जाता है, वो यूनिक सेटअप बॉक्स के लिए आपको जनरेट किया जाता है। तो बात किया हमने कि रैंडम नंबर जो है वो ब्रॉडकास्टर के तरफ से आपको भेजा जाता है वही रैंडम नंबर, इसलिए कि आपका जो लोकेट किया जाता है, आपका कस्टमर आईडी देख सकता है कितना टाइम तक वो जो शो चैनल हो या फिर लाइव मैच को देखते रहता है, वो सब आपको लोकेट करता है, लोकेशन करता है, और कहां से देख रहे हो, क्या एक्टिविटी आपको टीवी में कर रहे हो, वो सब डाटा वो लोग के पास रह जाता है। इसके अलावा आप कस्टमर आईडी का नंबर भी उन लोगों को पता चल जाता है, कौन से जो कस्टमर आईडी का जो ओनर है, जो सेटअप बॉक्स का ओनर है, वो लोगों को भी सभी पता, सभी का जो डाटा है वो लोगों के पास स्टोरेज होकर रहता है इसी रैंडम नंबर से। वीडियो को इतना देखने के बाद आपको सवाल तो जरूर आया होगा कि किस लिए, क्या कारण है, क्या वजह है जो रैंडम नंबर आपके टीवी पे आके बार बार डिस्टर्ब करता रहता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, बहुत सारे लोग अपने मोबाइल पे हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे आप लाइव मैच देख रहे हो, उसी को आप वो मोबाइल में आपको स्क्रीन रिकॉर्ड का जो ऑप्शन मिलता है उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म में छोड़ देते हैं दोस्तों। और चाहे आपको लाइव स्ट्रीम करना है यूट्यूब पर हो या फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर हो, लाइव स्ट्रीम कर रहा है तो आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो लाइव मैच को दूसरे प्लेटफॉर्म में शेयर किया जाता है। ऐसे में दोस्तों आपको ये होता है कि वो जो ब्रॉडकास्टर है वो आपको जो रैंडम नंबर शो करता है आपके टीवी में, जो वो अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाता है, वही स्क्रीन रिकॉर्ड यदि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर छोड़ते हो तो आपको लोकेट को आप लोकेशन आपका पता कर लेता है, और इसके साथ वो आपका जो ओनर का आईडी नंबर है और जो भी सेटअप बॉक्स का ओनर है उसको पता कर लेता है। ब्रॉडकास्टर यदि चाहे आपको तो आपका जो ओनर है, जो सेटअप बॉक्स का ओनर है, उस कानूनी तौर पे आपको एक्शन लिया जा सकता है। तो वजह ये था दोस्तों कि जो रिकॉर्ड करके भेजते हैं उस दूसरी प्लेटफॉर्म पर, उसे बंद करने के लिए आखिरकार ब्रॉडकास्टर ने यही रैंडम नंबर आपको भेजा जाता है आपके टीवी स्क्रीन पर। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो। यदि आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्तों को और परिवार को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि आखिर जो रैंडम नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आता है वो किस लिए आता है। और आपके पास कोई सवाल और सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे और आपके YouTube चैनल इंटरनेट के ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट साइड का जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बाय।